ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये वीडियो उनके लिए, या तो जिनकी शादी हो गई है या फिर जिनकी शादी होने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखो, ये आपके 4-5 साल बचा लेगी लाइफ में और डिस्प्यूट होने से बचा लेगी। तो वो बातें क्या है, वो बात ये देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि हम अपना पास्ट रिलेशनशिप बता देते हैं रिलेशनशिप में, सॉरी शादी में अपना पास्ट रिलेशनशिप बता देते हैं। हमारी एक क्लाइंट थी नेहा नाम की, तो उसके साथ पता क्या हुआ लॉकडाउन में, क्या हुआ उसकी शादी हुई, तो शादी के बाद उसने उसके हस्बैंड साहब उसको घुमाने लगे, तो वहाँ उसने प्यार प्यार में अपने कॉलेज की बातें बता दी कि मेरा कॉलेज में ये था, एक्स था, वो था, ये था, और सब कुछ बता दिया, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ, उस दिन तो उसके हस्बैंड ने कुछ कहा नहीं, कुछ टाइम बाद वो आने वाला था रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन पे उसको उसके घर ले गया, छोड़ आया कुछ दिन के लिए। फिर अब उस बंदे को लेने ना आए, अब फिर फोन करे तो उसको बोले कि भाई तेरा तो ये था, वो था, फलाना दिखाना ये था, समझ रहे हो। यानी कि मॉरल ऑफ द वीडियो क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कभी भी अपना पास्ट रिलेशनशिप ना बताएं, यस बिल्कुल भी ना बताएं। जिनकी नई शादी हुई है वो तो इसका ध्यान रखो, और जिनकी होने वाली है, जो करने वाले हैं शादी, तो वो भी अपना पास्ट रिलेशनशिप कुछ भी ना बताएं, ठीक है, कुछ भी हो जाए ना बताएं। ये लड़कियों के लिए स्पेशल है, लड़कों का कुछ नहीं होता लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशल है, उनको नहीं बताना चाहिए। क्योंकि पता क्या होता है, जब कभी लड़ाई होती है ना तो वो पास्ट रिलेशनशिप को लेके आते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, कुछ मिलता तो है नहीं लड़ने के लिए, तो क्या करते हैं वो पास्ट चीज़ों को बोलते हैं, भाई तू तो ऐसी थी, वैसी थी, फलाना थी, ये थी, वो थी। हालांकि इनका जो कोर्ट की नज़रों में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कोर्ट में तो इन चीज़ों को कोई रिलेवेंस है नहीं, भाई पास्ट था ठीक है, आर्टिकल 21 वो कुछ भी करे, लेकिन शादी के बाद देखो ना, अडल्ट्री का मतलब क्या, ड्यूरिंग मैरिज अफेयर हो वो होता है, लेकिन पति लोग क्या करते हैं जैसे वो इशू बना देते हैं, भाई तेरा तो ऐसा था, कैरेक्टर ऐसा, ये है, वो है। सो इन चीज़ों से बचना है तो अपनी जो पास्ट लाइफ है ना उसको कीप इट प्राइवेट रखो और चिल करो। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, बाय।